भट्टी पुलिस ने भलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 7 में ठेका श्रमिक की आग से झुलसने से मौत के मामले में जीएम डीजीएम सीनियर मैनेजर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा दर्ज कर ली है। आरोपियों में शांतनु मित्रा महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस 7 के एसएनआर रमेश मैकेनिकल मेंटेनेंस में डीजीएम हेमंत वर्मा सीनियर मैनेजर और सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद हनीफ अंसारी ठेकेदार अमन कंस्ट्रक्शन मालिक और विद्या सिंह अमन कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि भिलाई भट्टी थाना प्रभारी पीके कुशवाहा ने बताया कि बीएसपी प्लांट में ठेका श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने बीएसपी के कर्मचारी और ठेका कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस के महाप्रबंधक शांतनु मित्रा, मैकेनिक मेंटेनेंस के डीजीएम केएसएनआर रमेश, सीनियर मैनेजर और सुरक्षा अधिकारी हेमंत वर्मा, ठेकेदार अमन कंस्ट्रक्शन के मालिक मोहम्मद हनीफ अंसारी और अमन कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर विद्या सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि 1 जून 2022 को फर्नेस के दौरान वेल्डिंग करने के दौरान ठेका श्रमिक राहुल उपाध्याय आग से झुलस गया। इसके साथ दूसरा ठेका श्रमिक परमेश्वर सिंह भी झुलस गया था। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मर्ग राहुल उपाध्याय की मृत्यु में तरफ थाना भिलाई भट्टी में मर्ग कायम किया था। मर्ग जांच पर से जो उक्त घटना में शामिल जो बीएसपी के जो अधिकारी थे और जो ठेकेदार थे, उनके खिलाफ जो है सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराने की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिस नाम से 5 लोगों के खिलाफ जो थाना भट्टी में अपराध कायम किया गया।